बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल और आज मैं आपको लेके आया हूँ DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद में, जहाँ पे हम टूर करने जा रहे हैं मोस्ट लग्जरी इंटीरियर के साथ डिज़ाइन करदा ये एक कनाल का घर जो कि अवेलेबल है मार्केट में सेल के लिए। ये घर जो है वो कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि वीडियो काइंडली आप एंड तक लाजमी देखिएगा। इस घर की प्राइस, फ्लोर प्लान और इंटीरियर डिज़ाइन की तमाम डिटेल इसी वीडियो के दौरान ही शेयर करेंगे। व्यूज इसका जो है खूबसूरत एलिवेशन कम्प्लीटली जो है वो एलिगेंट डिज़ाइन में तैयार किया गया। आप देख सकते हैं इसका जो इसके एलिवेशन को डिजाइन करने में कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुए हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइल्स हैं और एलिवेटेड जो है वो हाइटेड आप देख सकते हैं ग्लास इस्तेमाल किया गया लेफ्ट वाले पैच में और राइट साइड वाले पैच में भी आप देख सकते हैं खूबसूरत हाइटेड ग्लास का इस्तेमाल किया गया। एक कनाल इस घर का साइज है, 50x90 जो है वो प्लॉट की डायमेंशन है। DHA फेज 2 की बहुत ही प्राइम लोकेशन है जहां पर यह घर लोकेटेड है। और अगर हम बात करें जो DHA का मेन राउंड अबाउट है वहां से अगर हम वॉकिंग डिस्टेंस की बात करें, मेन जो इसका पार्क का एरिया है, तो विद इन 2 to 3 मिनट की वॉक पे जो है वो आप उस एरिया को जो है वो इस घर से एक्सेस कर सकते हैं। खूबसूरत हम बढ़े इस घर को टूर करने के लिए तो आप देख सकते हैं घर के बाहर जो है वो इसका खूबसूरत एक्सटर्नल ग्रीन एरिया डिज़ाइन किया गया और फर्दर इसके जो डोर्स हैं और फर्दर जो बाउंड्री वॉल है एलिवेशन की थीम को फॉलो करते हुए डिज़ाइन किए गए। आस्किंग प्राइस को देख लें तो 15 करोड़ 75 लाख इस घर की डिमांड है। 15 करोड़ 75 लाख आस्किंग प्राइस है और इसमें नेगोशिएशन है। कोई भी घर को बाय करना चाहता है तो इसमें जो है वो नेगोशिएशन की जा सकती है। हम बढ़ेंगे अब इसके डिटेल टूर की तरफ। तो आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत मेन डोर है और मेन डोर से हम एंटर होंगे तो हमें जो है वो सबसे पहले इसके पोर्च की स्पेस मिलेगी। आप चेक कर सकते हैं यहां पे कंप्लीटली जो है वो इंपोर्टेड टाइल का इस्तेमाल किया गया घर के अंदर। और आगे चल के मैं आपको साथ साथ इसकी जो है वो डिटेल गाइड करता चलूंगा। घर के अंदर एंटर हो चुके हैं तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं इसका इंटरनल ग्रीन एरिया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे प्रॉपरली जो है वो डिजाइन किया गया और आपको जो है वो मैं एलिवेशन एक दफा हाइट करके जो है वो आपको मैं एलिवेशन क्लोज करके दिखा देता हूं जो कि कंप्लीटली हाइटी डिजाइन किया गया। आप देख सकते हैं जो लेफ्ट वाली वॉल है उस पर कंप्लीटली टाइल वर्क हुआ है, गोल्डन ग्लास वर्क भी हुआ है और हाइटेड ग्लास का इस्तेमाल है। और फर्दर जो है वो आप इसकी पोर्च की स्पेस चेक कर सकते हैं। इजीली पार्किंग स्पेस को डिस्कस कर लें तो 2 से 3 गाड़ियां एट अ टाइम इस पोर्च में पार्क हो सकती हैं। एक कनाल का घर है तो इसमें 3 साइड ओपन गैलरीज हमें मिलेंगी, राइट लेफ्ट और बैक साइड पे जो है खूबसूरत इसकी गैलरीज डिजाइन की गई हैं और गैलरीज में जो है वो टाइल वर्क हुआ है। अब मैं आपको लेके चलूंगा घर के अंदर और इसका जो है वो हम अब टूर कर लेते हैं। तो आप इसका मेन डोर चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक जो है वो लॉक के साथ जो है वो इस मेन डोर को डिज़ाइन किया गया, जिसकी हाइट जो है वो 9.5 फीट है इस एलिवेशन इस डोर की। और अगर हम एलिवेशन की हाइट को डिस्कस कर लें तो इस घर के एलिवेशन की जो हाइट है वो 36 फीट जो है वो इसकी एलिवेशन की हाइट डिज़ाइन की गई है। घर के अंदर एंटर हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं एंटर होते साथ ही इसका खूबसूरत जो है वो लॉबी एरिया है और ओपन टू स्काई जो है वो आप देख सकते हैं इसका व्यू जो है वो डिज़ाइन किया गया है। वॉल को देख सकते हैं सामने, वॉल पे थ्रू आउट जो है वो टाइल का इस्तेमाल किया गया और फर्दर आप इसकी जो है वो इंटरनल स्पेसेस चेक कर रहे हैं। मेन डोर से हम एंटर हुए, एंटर होते साथ ही हमें, मैंने आपको बताया कि इसका जो डोर है वो हमें जो है वो यहाँ पर मिल रहा है, स्मार्ट लॉक डिज़ाइन किया गया। यहाँ खड़े होकर मैं आपको इसका थोड़ा सा फ्लोर प्लान गाइड करूँगा तो मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो ड्राइंग रूम और डाइनिंग की स्पेस मौजूद है। बिल्कुल सामने घर की फर्दर मेन अकोमोडेशन है जहाँ पे टीवी लाउंज और बेडरूम्स हमें मिल रहे हैं और राइट साइड पे जो है वो फर्स्ट फ्लोर को स्टेयर्स जो हैं वो एक्सेस करेंगे। इस साइड पर पाउडर बाथ अवेलेबल है और स्टेयर्स के नीचे स्पेस ओपन है, उसे जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा आर्टिफिशियल प्लांटर्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट साइड पर इसका ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया टूर करवा दूँगा। ग्लास और वुड की मदद से डिजाइन करता है इसके खूबसूरत डोर्स हैं। एंटर हो चुके हैं इस ड्राइंग रूम और डाइनिंग स्पेस में तो आप देख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करके क्लासिकल थीम में जो है वो इसकी वॉल को डिजाइन किया गया, खूबसूरत इसका सीलिंग डिजाइन आ गया और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 प्लेस मौजूद है। 3 साइड वेंटिलेशन विंडो इसमें अवेलेबल है, सामने भी आप देख सकते हैं इस साइड पर भी और इस साइड पर भी जो है वो इसकी विंडो यहाँ पे मौजूद है। तो ये व्यूअर्स अच्छी खासी स्पेस के साथ आप देख सकते हैं इस ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया को जो है वो डिज़ाइन किया गया। वापस चलूँगा मैं वापस लॉबी में, जी वापस लॉबी में आ चुके हैं। अब मैं मेन डोर से एक्सेस लूँगा तो घर को घर की बाकी अकोमोडेशन हम देख लेते हैं। एंटर होते साथ ही राइट साइड पर हमें इसके खूबसूरत जो है वो टीवी लाउंज की स्पेस मिल रही है, लेफ्ट साइड पर जो है वो हमारा डाइनिंग की एक्सेस है जिसे हमने टूर कर लिया है। और फर्दर आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो है व्यूअर्स इसका जो है खूबसूरत ओपन किचन मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो टीवी लाउंज चेक कर लेते हैं व्यूअर्स।
जी सामने आप देख सकते हैं खूबसूरत वॉल्स हैं, और इस साइड की बात करेंगे तो व्यूअर्स ये इसका जो है वो टीवी लाउंज की जो है मीडिया वॉल यहाँ पे मौजूद है। उसके राइट और लेफ्ट पे जो है वो दोनों साइड्स पे वेंटिलेशन विंडो मौजूद है, और इस साइड पे हम देखें तो यहाँ पे भी व्यूअर्स एक खासी खूबसूरत स्पेस मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत डिज़ाइन का फाउंटेन है, वेंटिलेशन विंडो इस साइड पे मौजूद है। यहाँ पे भी आप जो है वो मल्टीपल फॉर्मल सीटिंग यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको किचन की जानिब लेके चलूँगा, तो सामने आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत ओपन किचन है। किचन में अब हम आगे चल के मज़ीद चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो एंटर होते साथ ही जो है वो डॉलेंस कंपनी का 4-डोर रेफ्रिजरेटर इसमें मिल रहा है। यहाँ पे सीटिंग स्पेस डिज़ाइन की गई है आप देख सकते हैं चेयर्स के साथ, और फर्दर आगे चलेंगे तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हॉट प्लेट मौजूद है। काउंटर की बात करें तो इसमें कोरियन का इस्तेमाल हुआ हुआ है, माइक्रोवेव ओवन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और इसकी मैं क्रॉकरी कबर्ड आपको चेक करवा देता हूँ। मर्की ग्लास की डिज़ाइन करदा इसकी खूबसूरत जो है वो आप चेक कर सकते हैं। कैबिनेट्स हैं, अंदर जो है वो स्पॉट लाइट का इस्तेमाल हुआ हुआ है। ऊपर इसका खूबसूरत व्यूर्स जो है वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ इसका रेंज आउट अवेलेबल है, और इस साइड पे भी जो है वो आप देख सकते हैं। जी वर्स ये आपकी किचन की स्पेस हो गई है। यूवी शीट का इस्तेमाल किया गया है इसकी खूबसूरत कैबिनेट्स बनाने के लिए। डिशवॉशर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और इस साइड पे अगर हम देखेंगे तो वॉश बेसन और सिंक है, वेंटिलेशन विंडो है, और टॉप पे बिल्ट इन आप देख सकते हैं आजकल ये नई टेक्नोलॉजी के जो एग्जॉस्ट फैन है इसमें जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं एग्जॉस्ट में। ये स्पेस होगी है। उसके बाद मैं आपको इसका जो है वो रेफ्रिजरेटर चेक करवा देता हूँ। ये आप देख लें 4-डोर रेफ्रिजरेटर है, ये भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है। बैक साइड पर इसका जो है वो डर्टी मौजूद है, इसका ग्रेजी किचन है वो आप चेक कर सकते हैं। काउंटर पे मार्बल है, बर्नर उसका ऊपर रेंज हुड, और हम फर्दर यहीं से एक्सेस है तो देख लेते हैं सर्वेंट क्वार्टर को यहाँ से एक्सेस है। इस साइड पर गैलरी मौजूद है, और ये आप एक्सेस चेक कर सकते हैं। थ्रू आउट जो है वो हमें रूफ टॉप की जानिब ये स्पाइनल स्टेयर्स लेके चलेंगी, और बैक साइड पे जो है वो यहाँ पे गैलरी आ गई है। ये व्यूअर्स किचन का टूर हो गया, चलते हैं अब बेडरूम्स की जानिब। टीवी लाउंज में आ गए, अब हम चलते हैं बेडरूम्स लॉबी। तो बेडरूम्स लॉबी में एंटर होने से पहले लेफ्ट साइड पर इस वॉल पर खूबसूरत एक टिनी डिज़ाइन में जो है वो आप देख सकते हैं फाउंटेन यहाँ पे मौजूद है, और ऊपर जो है वो बर्ड का यहाँ पे डिज़ाइन है। टू बेडरूम की अकोमोडेशन इसके ग्राउंड फ्लोर पे डिज़ाइन की गई है। तो सबसे पहले हम इसका बेड फर्स्ट देख लेते हैं, जो कि मास्टर बेडरूम हम इसे कह सकते हैं। इसमें आप देख लें वेंटिलेशन विंडो है सामने, ये इसकी खूबसूरत मीडिया वॉल के तौर पर इस वॉल को जो है वो आप ट्रीट कर सकते हैं, और मेन इसकी फीचर्ड वॉल है आप देख सकते हैं, इसको भी डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जो है वो डिज़ाइन किया गया। हाइट की अगर हम बात करें व्यूज, तो इस पूरे घर की टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम और बेडरूम्स की जो फिनिश हाइट है 11 फीट हाइट जो है वो डिज़ाइन की गई है, और आपका घर बल्कि और खुला जो है वो आपको दिखता है कि आप जो है वो खासे बड़े घर में मौजूद हैं। उसके बाद व्यूअर्स हम इसके खूबसूरत बाथ में एंटर होने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो इसके वॉशरूम और जो इसके बेडरूम्स की हाइट, बेडरूम्स के डोर की हाइट है वो 8.25 फीट है, 8.25 जो है वो इनकी हाइट बनती है। और अब चलते हैं इसके वॉशरूम में, तो हमें सबसे पहले वॉकिंग क्लोजेट मिल रही है इस साइड पे आप देख लें। जी ये इसकी हमें यहाँ पे वॉकिंग क्लोजेट मिल रही है, साथ में इसका अटैच वॉशरूम है जिसमें जैकूजी वॉल है, कमोड, कंसील्ड वाटर टैंक, और इस साइड पे अगर हम बात करें तो खूबसूरत इसकी जो है वो यहाँ पे वैनिटी मौजूद है। व्यूअर्स बताता चलूँ कि ग्रोई की फिटिंग्स इस तमाम वॉशरूम्स में जो है वो इंस्टॉल की गई है। टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी है इटालियन में, जो कि आप इस सेंट्री में यूज़ कर सकते हैं। वॉशरूम्स की भी हाइट चेक कर सकते हैं, कम्प्लीटली जो है वो इटालियन इम्पोर्टेड टाइल्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया है तमाम वॉशरूम्स में। उसके बाद आपको वापस लेके चलूंगा आप दूसरे बेडरूम में, यहाँ पे अभी ग्लास जो है वो फिक्स होना बाकी है। अब आपको लेके चलता हूँ इसके सेकंड बेडरूम की जानिब। ये इसका व्यू सेकंड बेडरूम की अकोमोडेशन आ गई है, अटैच वॉशरूम, इसकी वॉकिंग क्लोजेट वॉशरूम के अंदर ही बिल्डिंग में। जी इसकी अलहदा से शॉवर स्पेसिस मौजूद है, गोई की कंसील्ड फिटिंग है, वॉल हैंग कमोड, और आप इसकी जो है वो यूनिक डिज़ाइन में जो है वो फिटिंग चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो इसका खूबसूरत वैनिटी एरिया,
और आगे खूबसूरत जो है वो मिरर डिज़ाइन किए गए हैं। टू बेडरूम की एकोमोडेशन के साथ ग्राउंड फ्लोर का टूर कंप्लीट होता है। आपको अब मैं लेके चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर की जानिब और वहाँ की हम अकोमोडेशन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जी, इसके फर्स्ट फ्लोर के लिए मैं लेके चलता हूँ। स्टेयर्स पे आप देख लें मार्बल का इस्तेमाल है और जो इसकी ये रेलिंग है इसमें टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया। जी, ऊपर आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए और ऊपर आते साथ ही जो है वो हमें जो इसका लॉबी एरिया है वो डबल हाइटेड एरिया और उसमें आप देख सकते हैं खूबसूरत शैंडलर का इस्तेमाल किया गया और उसके साथ ही जो है व्यूअर्स ओपन टू स्काई जो है वो इसका एरिया है जिसके ऊपर कवर करने के लिए टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो टेरेस की स्पेस है उसे देखेंगे। जी बस, साउथ फेस ये जो है वो हाउस बनता है। रेलिंग आप देख सकते हैं टेम्पर्ड ग्लास की है थ्रू आउट। खासा बड़ा टेरेस है और आप देख सकते हैं सीटिंग के लिए यहाँ पे जो है मौजूद है। ये एलिवेशन को देख लें तो चकवाल स्टोन का इस्तेमाल किया गया है मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए। आपको मैं जो इसकी करीब तीन अमेनिटीज़ हैं उसका बताता चलूँ तो बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं गीगा मॉल आपको यहाँ से इस घर से जो है वो नज़र आ रहा है और बिल्कुल आप इस स्ट्रीट से एग्ज़िट होते हैं तो बाहर जो मेन फेमस एरिया है इसका मैकडॉनल्ड राउंड अबाउट जो कि DHA फेज़ टू में है तो उसको आप ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं अंदर वापस। इस लॉबी को आपने देख लिया। जी, यहाँ पे खड़े होकर फ्लोर प्लान मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले एक बेडरूम इस साइड पे है, टीवी लाउंज है और टू बेडरूम की अकोमोडेशन आगे है और फर्दर वहाँ पे पैशियो स्पेस भी मौजूद है। थ्री बेडरूम की अकोमोडेशन इसके जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे, थ्री बेडरूम की अकोमोडेशन इसके फर्स्ट फ्लोर पर डिज़ाइन की गई है। तो ये व्यूअर्स इसका जो है वो खूबसूरत बेडरूम फर्स्ट है फर्स्ट फ्लोर का और इसमें आप चेक कर सकते हैं खूबसूरत जो है वो इसकी वॉल्स मेन फीचर्ड वॉल हैं। वेंटिलेशन विंडो इसमें मौजूद है। अटैच वॉशरूम की जानी बढ़ेंगे। बड़ी स्पेस के साथ इसके वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया। इसमें भी जो है वो बड़े साइज़ का जो है वो बाथटब यहाँ पे अवेलेबल है। इसकी जो है वो वॉकिंग क्लोजेट आ गई। इस ग्लास से हम बाहर का व्यू लेके चेक कर लेते हैं। जी, ये सामने स्टेयर्स देख सकते हैं, रूफ टॉप की जाने मूव होंगी। अब हम इसका टीवी लाउंज का एरिया चेक कर लेते हैं। तो ये इसका खूबसूरत टीवी लाउंज की स्पेस है जिसमें आप इसकी खूबसूरत मीडिया वॉल राइट लेफ्ट पे जो है वो इसकी आप वेंटिलेशन विंडोज देख सकते हैं और खूबसूरत इसका ओपन किचन व्यूज इसके फर्स्ट फ्लोर का आप देख सकते हैं। काउंटर पे ग्रेनाइट का इस्तेमाल है, बर्नर, इसका खूबसूरत रेंज हुड है। इस साइड पे हम देख लें तो सिंक आ गया, ऑटोमेटिक यहाँ पे वॉशिंग मशीन अवेलेबल है और पेंट्री टाइप यहाँ पे काउंटर अवेलेबल है। इस साइड पे हम आ जाते हैं तो ये खासी बड़ी स्पेस है, स्टोर पर्पस के लिए भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ड्यूटी बनाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन मौजूद है और यहाँ से भी आप एक्सेस देना चाह रहे हैं अपने सर्वेंट को ऊपर रूफटॉप को तो ये स्पाइरल स्टेयर इसको जो है वो कनेक्ट करेगी। ये हो गया खूबसूरत इसका जो है वो किचन और टीवी लाउंज। अब हम चलते हैं रिमेनिंग बेडरूम्स की जाने। उससे पहले मैं आपको जो है वो ये स्पेस चेक करवा देता हूँ जो इसकी पैशियो स्पेस है। ये आप चेक कर सकते हैं खूबसूरत यहाँ पे सिटिंग स्पेस डिजाइन की गई है। बारबेक्यू एरिया भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। जी, तो सबसे पहले सामने सेकेंड बेडरूम आ गया इसके फर्स्ट फ्लोर का। लाइट्स की अगर हम बात करें व्यूअर्स तो इन तमाम पूरे घर में जो है जो आप ये वाइट लाइट चेक करें इसको COB लाइट्स का बोला जाता है। COB लाइट्स हम इसे कहेंगे। ये डायरेक्टली जहाँ जहाँ ये लाइट लगी हुई है डायरेक्टली ये उस एरिया पे फोकस करती है। आप देखते हैं लाइट इसकी फैलती नहीं है, जस्ट वहीं पे फोकस करती है। तो ये हो गया इसका बेडरूम सेकेंड। सामने खूबसूरत मेन इसकी वॉल आ गई है फीचर्ड वॉल और उसके बाद जो है वो हम अटैच वाशरूम की जानिब चलेंगे। साथ में इसका जो है वो लास्ट एंड थर्ड बेडरूम है।
थर्ड बेडरूम में आप देख सकते हैं इसकी वॉकिंग क्लोजेट आ गई सबसे पहले, उसके बाद इसका अटैच वॉशरूम। जी व्यूअर्स, ये हो गया थ्री बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ जो फर्स्ट फ्लोर है उसका भी टूर कंप्लीट। रूफ टॉप की जानिब लेके चलूंगा आपको और वहां पे हम देख लेते हैं फर्दर। जी ये रूफ टॉप पे आप स्टेयर्स चेक कर सकते हैं रूफ टॉप की जानिब। ऊपर हम छत पे आ चुके हैं। छत पे व्यूज देख सकते हैं कंप्लीट जो है वो फ्लोरिंग यहाँ पे टाइल की हुई हुई है, टाइल वर्क हुआ हुआ है और ये टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल है जो इसका ओपन टू स्काई एरिया है। और ऊपर जो है वो दो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ। ये इसकी स्पाइनल स्टेयर्स आ गई हैं आपको सर्वेंट के लिए, अलहदा से इसकी कंक्रीट की टेंकी है और ख़ूबसूरत इसमें जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट का इस्तेमाल किया गया, वाटर पम्प भी यहाँ पे अवेलेबल है और बाकी थ्रू आउट जो है वो आप इसकी स्पेस चेक कर सकते हैं। आस्किंग प्राइस मैंने आपको बता दी 15,75,00,000 इस घर की डिमांड है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।